और भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया है। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर इस वक्त बघेल बैठ चुके हैं। लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं भूपेश बघेल, वहां पर उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, एक वीडियो भी जारी किया है। भूपेश, मैं तो प्रियंका जी से मिली हूँ, वापस चल जाता, लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यही बैठ गया। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, खुद भूपेश बघेल ने ट्वीट की है और उन्होंने लिखा है कि बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर जाने से रोका जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि लखनऊ उतरने से उन्हें रोका जा रहा है और इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार फरमान जारी कर रही है। और अब ये तस्वीर और साथ ही एक वीडियो भी भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। और चीन की हरकतों पर एयर चीफ वीआर चौधरी का बड़ा बयान आया है कि एलएसी पर चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, एयर चीफ ने कहा। और साथ ही ये भी कि चीन ने काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर लिया है। वार्ता के बाद भी चीन की एलएसी पर डिप्लॉयमेंट है, चीन के डिप्लॉयमेंट से कोई असर नहीं पड़ेगा, एयर चीफ ये साफ कर चुके हैं। एलएसी पर हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। फिलहाल अभी भी चाइनीज एयरफोर्स PLAF की डिप्लॉयमेंट्स अभी भी है 3 एयरबेसिस में अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है चीन की तरफ से, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दी एयर ऑपरेशंस पर से। हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है उनकी डिप्लॉयमेंट ड्यू टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। शायद उनकी थोड़ी सी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट तेज हो सकती है, बट एयरफोर्स की तरफ से इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस।